चलो मसल लेक देखने वाले, तो मसल लेक का बेनिफिट क्या होता है ये देखो यहाँ पे। जैसे एक बार मैंने किया होता, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखा यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे टर्न करते हैं, कैसे बाइसेप्स कैसा फूलता है, ये जो पार्ट है यहाँ से हम लोग चीज़ को मैनेज करते हैं। क्या कि कैसे देखो यहाँ पे ये बाइसेप्स निकलता है ना, तो ये सिंपल हम लोग अपने कैरेक्टर के अंदर बोन के अंदर सेटअप करते हैं, तो ये मसल लेक में आता है। ठीक है, एडवांस भी है और चीज़ें लाइक ऐसा लगता है कि हाँ करने पर चीज़ें लुकिंग भी अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम टेकन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। बेसिक्स में आपको दोस्तों यहाँ पर गाइड कर देता हूँ यहाँ पे कि कैसे क्या काम करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिड ऑन कर लो। ठीक है, गो टू टॉप व्यू। कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने पे रिगिंग ले रखा है। ठीक है, आप इस रिगिंग लो या ना दो तो भी काम चल जाएगा। हाँ रिगिंग पे काम करे तो ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे जो करना है, अभी जैसे आपको रिगिंग हमने करेक्टर कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि मुझे कैसे क्या काम करना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे गए। ठीक है, स्केलेटन आप क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हो, तो एक्स वजह। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे क्लिक किया फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आप आगे देखोगे तो ये अपर पार्ट में बड़ा होता है। यहाँ पे मैंने सेकंड यहाँ पे किया। ठीक है, लोअर पार्ट आपके यहाँ पे यहाँ तक ये इतना छोटा था, तो ये 4 और 5 की ग्रिड होता है। मैं आपको इतनी बारीकी से बताऊँ, जहाँ पे आपको मसल कई बार ये जब प्रॉपर नहीं होता तो आप फंसोगे भी। क्या चीज़ों को मैनेज करना, बैलेंस करना, कैसे क्या काम करना, वो चीज़ भी आती है। लेकिन ये चीज़ आप लोगों से कोई डिस्कस नहीं करेगा क्या कि आप कोई भी काम करो तो कैसे करो। जैसे देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहा है, क्योंकि डिस्प्ले में यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या किया, डिस्प्ले में गए, यहाँ पे मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं। जैसे ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले है, यहाँ पे आप लोकल रोटेशन एक्सिस दिखा सकते हो। देखो आपके यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको एक्सिस क्लियर हो जाएगा कि एक्सिस किधर आपका किधर ये रोटेशन होने वाला है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। इसके पीछे भी रीजन है हम लोग इस पर क्यों काम करें। ठीक है, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, फिर दूसरा इसे सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ मसल लिख बनाना है, तो पहले बोन सेटअप लिया। बोन सेट का मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 1 और 2 यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या जितने पुराने वर्जन है 16 और 18 तक, वो आपको यहाँ पे मसल लिख यहीं पे दे देगा इधर। उसके बाद में जो वर्जन है उसमें कई बार आपको यहाँ पे मिलेगा डिफॉर्मर में जगह मिल रहा है, मसल्स में जाकर मसल्स के अंदर कन्वर्ट टू सर्फेस टू मसल और सिंपल यहाँ पे। ठीक है, मसल बिल्डर, तो दोनों चीज़ आपको समझना है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कन्वर्ट सर्फेस टू मसल। ठीक है, ये देखो एक्स में नहीं किया, यहाँ पे एक्स दिख रहा है हमें, अगर आपको एक्स ही समझ आना चाहिए, इसलिए मैंने ये लगा के दिया कि यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स एक्सिस पे काम करेगा, वाई तो वाई पे करना, जिस पे करना है उस पे करके एक बार देख लेना। क्या एक्स पे किया मैंने यहाँ पे, ये आपका मसल्स का बेसिक सा सेटअप आपको यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या करना है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रेडियस पे यहाँ पे 0.2 कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब इसको आप छोटा कर सकते हो, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया 0.2। ठीक है, काम खत्म। अभी ये 0.2 मैंने कर दिया। अभी इसको करने वाले यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लगता है कि थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, चीज़ें बहुत सारी, आप इनको क्रॉस कर सकते हो। जैसे मैंने एक्स पे किया, ये एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स पे किया तो इधर भी आ जाएगा, तो आपको ये थोड़ा सा क्रॉस कर लेना कि नेगेटिव में करोगे पॉजिटिव में करोगे तो कैसे आने वाला है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो क्रॉस चेक करो, यहाँ पे शेडिड है, तो मैंने कहा मुझे चाहिए वायर फ्रेम, तो वायर फ्रेम भी आपको मिलेगा क्या। ठीक है, वायर फ्रेम शेडेड एंड वायर फ्रेम ओनली। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों चीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या, तो हमने ऐसा कुछ रहने दिया। ओके, इसके बाद आपको चीज़ें और भी आएंगी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करके देखो तो काफ़ी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे। आफ्टर अभी हम लोगों ने क्या किया, डिफॉर्मर में गए। अभी मुझे डिसलेक्ट करना है क्या, डिसलेक्ट करके मैं जाता हूँ डिफॉर्मर में गए। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाता हूँ नॉन लीनियर, यहाँ पे मसल, मसल में गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सेटअप मसल पैरामीटर। यहाँ पे अभी पहले क्या कहता है, कन्वर्ट टू सर्फेस टू, ठीक है, सर्फेस टू, यहाँ पे क्या है, सर्फेस टू मसल बोन। ठीक है, यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मसल बिल्डर सेट मसल पैरामीटर्स। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, मसल बिल्डर भी देखो तो मसल बिल्डर भी क्या आता है, ये आपको मसल बिल्डर का है। मसल बिल्डर आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, दिस वन सेलेक्ट किया आपने, यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट कर दिया, आपने यहाँ पे इसको आपने ऐड ऑन कर दिया, ये जॉइंट्स आप ऐड ऑन करोगे तो आपका काम होगा। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे क्या किया, सिंपल पार्ट बिल्ड अपडेट ही आ गया। ठीक है, ये आपको मसल्स आ गया, अभी मसल्स को देखते हैं, मसल के यहाँ थोड़ा प्ले करते हैं कि भी चीज़ें मिलती क्या क्या इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे पास अभी चीज़ें कैसी है। ठीक है, अभी सबसे पहले काम इसको मैंने पकड़ा, लोकेटर आपको पता ही है, लोकेटर लिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने मैनेज किया, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, मसल्स मेरे पास कहाँ से कहाँ तक खींचती है, मैं आगे तक आएगी तब वो चीज़ें बैंड होने पर आएगा क्या, तो ये मेरी पहले प्लानिंग होनी चाहिए। इसके अंदर देखो यहाँ पे जैसे आपको नर्व्स आते हैं, नर्व्स में आपने यहाँ पे एन स्पैन है, यहाँ पर मैंने कर दिया 8 कर दिया। ठीक है, यहाँ देखो अभी सिंपल पार्ट यहाँ पे 8 के यहाँ पे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ अपडेट करके देखो यहाँ पे अपडेट हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर अपडेट करोगे अपडेट भी, यहाँ पे मैंने कितना किया 7 कर दिया, तो 7 पे भी दिखेगा।
ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है, ये एन सेगमेंट से आप यहाँ पे दोस्तों अपडेट कर देगा, एन सेगमेंट यहाँ पे अपडेट होगा, ठीक है। आपका वेट देखो, वेट आपने यहाँ अब यहाँ पे कितना बड़ा करना है, ओके। आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। फॉलो ऑफ, ये देखो फॉलो ऑफ का पार्ट आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये भी। इसके सिवा लगता है कि नहीं मुझे ना थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में आते हैं। क्रॉस सेक्शन में अगर आपको नर्व्स याद हो, नर्व्स हम लोग देखो, अभी नर्व्स ये पार्ट देखा, यहाँ पे ये पार्ट मैंने दिया, ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया दिस वन, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे चीज़ें मेरे पास दिखती है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने पर मेरे पास यहाँ पे क्या मिलता है, दिस वन, एक तो मेरे पास यहाँ पे एडिट करने का मौका मिल जाता है हमें, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं सेलेक्ट करके मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, तो सेलेक्ट किया मैंने वर्टेक्स, मैंने अप एंड डाउन मैं मैनेज कर सकता हूँ, ऐसे भी या फिर ऐसे भी, आर प्रेस कर दिया मैंने, स्केल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हम लोग ऐसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, चीज़ों को मैनेज करना मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी जस्ट सपोज यहाँ पे क्या, राइट क्लिक एन ऑब्जेक्ट मोड, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पर जैसे मैंने नीचे से सेलेक्ट किया, मेरे पास कैमरा है, तीनों को सेलेक्ट कर दिया, अभी तीनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे स्केल करूँ, स्केल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जब भी काम करना हो, आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करना, तो आप यहाँ पे जाओ, मेक श्योर अभी आप यहाँ फिर से सेलेक्ट करो, देन आप स्केल करो, तो ये अब होगा। ऐसा नहीं कि सर ने किया वो आप स्केल हो, मेरा तो हुआ नहीं, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसको थोड़ा सा सोचना समझना, फिर मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। हमने देखा बेल्ट, देखा क्रॉस सेक्शन, देखा अभी देखते फाइनलाइज पे आते हैं, राइट क्लिक एन ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। फाइनलाइज में गए, फाइनलाइज में अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या मसल स्पाइन डिफॉर्मर है, यहाँ पे मसल डिफाइन डिफॉर्मर क्या करते हैं, हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं कन्वर्ट, कन्वर्ट टू मसल, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें भी अलग हैं, ठीक है, कन्वर्ट टू मसल किया यहाँ पे, ये कर दे मैंने यहाँ पे, ठीक है। मसल्स में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने किया लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट में ऐसा किया, ठीक है, बाइसेप्स करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये सेटअप मेरे पास आ गया यहाँ पे, अभी ये सेटअप मेरे पास यहाँ पे क्या काम करना है इसको समझेंगे। अपना मैं सेटअप अगर मैं सेट करता था, तो मैं इस पार्ट कैसे रह जाता, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने आप इसे थोड़ा सा रोटेशन दो यहाँ पे, बोला तो ये आपका मेन पार्ट ऐसा था कि अगर आपको यहाँ पे दिखाना है कि आपको बाइसेप्स में सेट करना है, तो कैसे किस टाइप से आपका बोन सेटअप आपका होगा, आपका किस टाइप से आप मसल्स को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जितना बड़ा करना, जितना मैनेज करना, पैसा करके काम कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा भाई पैरामीटर वाइज चीज़ें यहाँ पे हैं क्या, क्या क्या चीज़ें, क्या स्ट्रेंथ है, क्या आउटपुट है, और किस टाइप से हम लोग काम यहाँ पे कर सकते हैं क्या यहाँ पे।